हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आपने 400 सब्सक्राइबर्स करवा दिए, थैंक यू। और गाइस, मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि ओए तेरे पास GTA 5 है तो खेलता क्यों नहीं, ओए बहुत मारूंगा तुझे, पापा से पिटवाऊंगा अपने पापा। अरे यार, बिल्कुल खेलेंगे, क्यों नहीं खेलेंगे GTA 5। और मैं सोच ही रहा था कि मैं अपनी आने वाली वीडियोज़ में GTA 5 की सीरीज़ स्टार्ट करूँगा, जिसमें हम पहले उसका स्टोरी मोड फिनिश करेंगे और उसके बाद हम मॉड्स वगैरह भी डालेंगे, जैसे स्पाइडरमैन, हल्क, हल्क बस्टर और बैटमैन, इन सब के मॉड्स डालेंगे। ठीक है, बहुत ही एंटरटेनिंग वीडियोस होगी वो गाइस। और टाइम टू टाइम जो मैं टेकन से रिलेटेड आपको चीज़ें सिखाता हूँ वो भी आती रहेंगी साइड बाय साइड। फिलहाल आज की वीडियो भी टेकन 3 के ऊपर होगी और उसमें मैं किंग की 2 बहुत ही कूल ग्रैब्स बताऊँगा, जो कि जॉन सीना और रॉक की फिनिशिंग मूव है जो वो रेसलिंग में यूज़ करते थे। ये दोनों ही ग्रैब्स बहुत कूल हैं और ये काफ़ी हैवी डैमेज भी करती हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, अगर आप अपने कीबोर्ड की सेटिंग कुछ इस तरीके से कर लोगे तो सबसे बेस्ट रहेगा, ये सारे ही प्लेयर्स के लिए सबसे बेस्ट सेटिंग है गाइस। और ये करना भी बहुत ही आसान है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप उसके लिए ये वाली वीडियो फॉलो कर सकते हैं। और टेकन 3 कैसे डाउनलोड और इंस्टॉल करना है प्रॉपरली, उसके लिए ये वाली वीडियो फॉलो कर सकते हैं। दोनों ही वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, या तो आप इधर आई बटन को भी फॉलो कर सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि किंग की जो रॉक फिनिशिंग मूव और जॉन सीना फिनिशिंग मूव है वो होती कैसी है। ये दोनों ही ग्रैब लगाने के लिए जो कीज़ आपको प्रेस करनी है उसकी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर ये रही। गाइस, मैं फिर से वही कहूँगा कि अगर आपको ऐसे ही ऑन स्क्रीन प्रैक्टिस बटन देखकर समझ आ गया है तो आप ऑलरेडी प्रो हैं, यू आर गुड टू गो। और जिन्हें ये ग्रैब्स स्टेप बाय स्टेप बारीकी से सीखनी है तो चलते हैं मेरे कीबोर्ड पर। चलिए गाइस, सो ये आ गया है मेरा नया नया कीबोर्ड। अगर आप अपने कीबोर्ड की सेटिंग कुछ इस तरीके से कर लोगे तो सबसे बेस्ट रहेगा ये। अरे, तो मेरी ही कीबोर्ड की सेटिंग मैंने करनी रखी है, तो फटाफट से मैं इसमें अपने कीबोर्ड की सेटिंग कर लेता हूँ। ओके, नाउ वी आर गुड टू गो। सो गाइस, हम आ गए हैं प्रैक्टिस मोड पर और आज एकदम नए कीबोर्ड पे सीखेंगे। सबसे पहले बटन चेक कर लेते हैं, लेफ्ट पंच, राइट पंच, लेफ्ट किक, राइट किक, ये वाला बटन, ये और ये, ठीक है, नाइस। सो गाइस, सबसे पहले हम सीखेंगे जॉन सीना वाली ग्रैब, ठीक है, उसको हम बोलते हैं शट द फक अप, ठीक है। लेकिन वो रेसलिंग में जॉन सीना का फिनिशिंग मूव होता था, तो हम वही सीखते हैं, ठीक है। तो ग्रैब स्टार्ट करने का एक अलग तरीका है, ठीक है। आपको मैंने कुछ वीडियोस में पहले ओआ मारना सिखाया था, जिसमें हम डाउन और फॉरवर्ड एरो का यूज़ करते हैं या फिर डाउन और बैकवर्ड का, और ऐसे फिंगर्स को फ्लिक करते हैं इस तरीके से। लेकिन डाउन से स्टार्ट होता है, डाउन फॉरवर्ड डाउन बैकवर्ड। लेकिन इस ग्रैब को लगाने के लिए एक ट्विस्ट है कि आपको फॉरवर्ड की तरफ जाना है, डाउन से फॉरवर्ड की तरफ, ठीक है, डाउन फॉरवर्ड, ठीक है, इस तरीके से फ्लिक करना है आपको। और इसमें एक और ट्विस्ट है कि आपको आगे प्रेस करना है, फिर से डाउन और फॉरवर्ड, यानी कि एक बार देख लो अगर कंफ्यूज हो गए हो तो, आगे ओआ, ठीक है, इसको ओआ भी बोलते थे हम, आगे ओआ, आगे ओआ, इस तरीके से आपको, आप स्क्रीन पर देखो क्या एरो कीज़ का क्या पैटर्न बन रहा है, आगे फिर ओआ, ठीक है, आगे ओआ। और जो बटन्स आपको प्रेस करना है वो है सेकेंड पंच और फर्स्ट किक वाला, ठीक है, एक साथ प्रेस करना है। आप क्या करना,
सेकंड वाला जो पंच है उसको प्रेस एंड होल्ड करके रखना, ठीक है, और उसके बाद आगे ओवा करके ये वाला बटन प्रेस कर देना, किक वाला, तो ग्रैब स्टार्ट हो जाएगी। देखो फिर से, देखो ये वाला बटन प्रेस करके रखना, आगे ओवा और किक वाला प्रेस, ठीक है गाइज, ईजी। थोड़ा सा ग्रैब स्टार्ट करने में आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी, तो आप इस तरीके से प्रेस करना, आगे ओवा और ये वाला बटन प्रेस करके रखना है और ये प्रेस कर देना है तिरछे में, ठीक है, तिरछे में आपको ये बटन प्रेस करना है, ठीक है, इस तरीके से, तो ग्रैब स्टार्ट हो जाएगी। अब जो सेकंड स्टेप है उसके लिए आपको क्या प्रेस करना है, ये वाला बटन आप प्रेस करके रखना, फर्स्ट वाला, ठीक है, और सेकंड, थर्ड, सेकंड, इस तरीके से, ठीक है, फर्स्ट वाला बटन प्रेस एंड होल्ड, सेकंड, थर्ड, सेकंड, ठीक है, ये आपको जल्दी से करना है, जब जैसी ग्रैब स्टार्ट हो जाएगी ना ये बटन प्रेस, ऐसे प्रेस करना है आपको ये, ठीक है गाइस, पहला बटन प्रेस करके रखना है और सेकंड, थर्ड, सेकंड। अब मैं आपको दोनों स्टेप एक साथ करके दिखाता हूँ, ये प्रेस एंड होल्ड, आगे ओवा, फिर उसके बाद, तो देखो जॉन सीना वाली ग्रैब इसने लगा दी, इंटरेस्टिंग गाइस, एक बार और देख लो, ये बटन प्रेस करके रखना, आगे ओवा, ये बटन प्रेस, मिस हो गया, ये देख लो एक बार और, फिर आगे हुआ और सेकंड स्टेप में ये, ठीक है गाइस, इंटरेस्टिंग। अब हम चलते हैं अपने सेकंड ग्रैब की तरफ, जो कि है रॉक का फिनिशिंग मूव, ठीक है, तो देख लेते हैं उसको भी। सो गाइस, ग्रैब स्टार्ट करने का वही तरीका है, आपको आगे ओवा यूज़ करना है, ये वाला बटन प्रेस एंड होल्ड करके रखना है और फिर ये वाला प्रेस करना है, जैसे पिछले मूव में हमने सीखा था ग्रैब स्टार्ट करने का, वही सेम तरीका है, आगे ओवा ये, ठीक है, सिंपल। अब इसमें सेकंड स्टेप जो है, आपको जो कीज़ प्रेस करनी है वो है, पहले एक बार तो आपको ऊपर के दोनों प्रेस करने हैं, ठीक है, ऐसे, या तो आप R2 प्रेस कर सकते हो, ठीक है, R2 प्रेस कर सकते हो आप, उसके बाद या तो ये, ठीक है, और जैसे ही आप दोनों बटन ऊपर के प्रेस करो, फिर तुरंत उसके बाद ये थर्ड वाला, मतलब 1 2 3 4 बटन हो गए ना, ये थर्ड वाला बटन, और ऐसे, मतलब पहले ये फिर इस तरीके से, समझ गए गाइस। अब मैं आपको एक साथ करके दिखाता हूँ, आपको समझ आ जाएगा क्या करना है, ये बटन प्रेस करके रखना, आगे ओवा, ये देखो रॉक का फिनिशिंग मूव लग गया, ठीक है गाइस। आपको एकदम से दोनों ही ग्रैब में, एक जॉन सीना वाली ग्रैब में भी और रॉक वाली ग्रैब में भी, जैसी ग्रैब स्टार्ट हो जाता है आपको तुरंत इस तरीके से ग्रैब, अगली ग्रैब के लिए बटन्स प्रेस करने होंगे, नहीं तो मिस हो जाएगा, ठीक है गाइस। अब एक बार जॉन सीना वाला ग्रैब देख लो, सॉरी ये, और ठीक है, अब हम एक बार देख लेते हैं कि ये काफ़ी हैवी डैमेज वाली ग्रैब्स हैं, एक बार मैं आपको आर्केड मोड में दिखा देता हूँ, ठीक है, चलते हैं आर्केड मोड पर, सेलेक्ट कर लेते हैं किंग, ठीक है, अब देखो कितनी ज़्यादा हैवी डैमेज होगा इसमें, ये देखो है ना, अब वो वाली ग्रैब लेते हैं, अब हम इस साइड आ गए हैं, ठीक है, ठीक है, ये जॉन सीना वाली ग्रैब देखो, ये सिर्फ दो ग्रैब्स लगाई मैंने और पूरा नॉकआउट हो गई, KO हो गया। गाइज आप इन दोनों ही ग्रैब्स को थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, आपको आ जाएगा, बहुत ही मज़ेदार ग्रैब्स है दोनों। और नेक्स्ट वीडियो मोस्ट प्रोबेबली GTA 5 के ऊपर होगी, और बीच बीच में मैं टेकन से रिलेटेड सब भी आपको बताता रहूँगा। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कर देना। और गाइज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।